सो गुड मॉर्निंग एवरीवन आज अपन थर्ड ईयर की क्लास लेंगे ठीक है आज ही अपना खत्म हो जाएगा यूनिट इलेवन स्पेक्ट्रोस्कोपी ब्लॉक फोर का पार्ट था यूनिट इलेवन ठीक है तो अपन ने इसमें क्या क्या देखा था अपन ने इसमें देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती थी टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन देख लिए थे टाइप्स ऑफ़ में हमने क्या देखा कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं ना? सिग्मा बॉन्ड जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये सारे क्या कर सकते हैं ट्रांजिशन कर सकते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज थी या तो सिग्मा बॉन्डिंग से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग जाए इसलिए स्टार बनाते हैं नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग जाए पाए से पाए एंटी बॉन्डिंग एन टू पाए एंटी बॉन्डिंग पाए टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग सिग्मा टू पाए एंटी बॉन्डिंग तो अपन ने देखा सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन में सबसे ज्यादा एनर्जी लगती थी क्यों क्योंकि सिग्मा बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ठीक है और सिग्मा इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी में लेके जाने के लिए क्योंकि वो न्यूक्लियस के सबसे पास है एस ऑर्बिटल तो एक स्ट्रोंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो स्ट्रॉन्ग फोर्स को तोड़ने के लिए उसमें ज्यादा एनर्जी लगती है इसलिए सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन में बहुत एनर्जी लगती है इसका मतलब कि वेवलेंथ इनकी कम होती है ओके तो इतनी एनर्जी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में नहीं हो पाती कि ये वाले ट्रांजिशंस को कंसीडर किया जाए इसलिए हम यूवी में कौन से ट्रांजिशंस पढ़ते हैं हम पढ़ते हैं पाई टू पाई स्टार एंड एन टू पाई स्टार अब इन दोनों में से भी आगे चल के स्पेसिफिकेशन हो जाएगा वो मैं आज आपको बताऊंगी ठीक है और बीयर लैम्बर्ट्स लॉ तो बीयर का लॉ और लैम्बर्ट का लॉ लौ, दोनों लॉज थे फिर हम ये देखेंगे तो आपको मैं यहाँ बताती हूँ फिर खत्म ही हो जाएगा छोटा सा ही है कि बियर लैम्बर्ट्स के लॉ क्या थे है ना तो बियर और लैम्बर्ट ने लॉ दिया अपना कि कंसंट्रेशन और पाथलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ठीक है तो उनका जो स्टेटमेंट था बियर एंड लैम्बर्ट का बियर ने कहा कि एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन इन्होंने कहा कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू लेंथ किसकी जिस क्यूबिट में आप सोल्यूशन भर रहे हो ये जो लॉ बना आपका उसमें एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एंड लेंथ तो जब ये साइन हटा तो यहाँ पर ई सी एल ई आया आपका इसको हम कहते थे मोलर एक्सटेंशन को इसका मतलब होता है कि कितने स्ट्रांगली कोई वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगी किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की ठीक है और आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो डैट इज वॉट लॉग आई नॉट डेट इज इंसिडेंट लाइट अपॉन आई इज इक्वल्स टू ई सी एल इक्वल्स टू ए सो ये दोनों ही स्टेटमेंट उनके लॉ के थे ठीक है के के लॉ नाउ वी आर कमिंग टू कि कौन कौन से ट्रांजिशन इसमें यूवी में हो सकते हैं एन टू और पाई टू पाए स्टार में क्योंकि इनमें कम एनर्जी लगती है तो इनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है ठीक है ना क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ का इन्वर्स रिलेशन है तो अब अपन देखते हैं कौन से ट्रांजेक्शन हो सकते हैं सो आई टोल्ड पाए मतलब एक सिग्मा बॉन्ड होती है एक पाए बॉन्ड होती है तो हर एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल का करस्पॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है जैसे पाया का पाए स्टार सिग्मा का सिग्मा स्टार है ना ऐसे नाउ इसमें कम एनर्जी लगती है तो इसमें वेवलेंथ ज्यादा होती है फिर पाई टू पाई स्टार में और भी ज्यादा कम एनर्जी लगती है तो इसकी वेवलेंथ और ज्यादा होती है बट अब जो आप एन टू पाई स्टार वाले का एग्जाम्पल अगर मैं आपको दू तो इसका एग्जाम्पल है जैसे आपने एक कार्बोनिल ग्रुप लिया है ठीक है इसका जो ट्रांजिशन हो रहा है वो किसमें हो रहा है एक अनस्टेबल नॉन बॉन्डिंग मतलब कि लोन पेयर्स प्रेजेंट है इसका ट्रांजिशन हो रहा है star, मतलब कि ये अनस्टेबल ऑर्बिट में जा रहा है अनस्टेबल में जा रहा है एंटी बॉन्डिंग स्टार में तो ये कुछ इस तरीके का हो जाता है एक इधर आ जाता है इलेक्ट्रॉन इसका एक यहाँ आ जाता है तो ये जो दो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे वो इधर आ जाते हैं और आपका ये ट्रांजिशन होता है एन टू पाए स्टार और अगर आप इसका एग्जाम्पल देखो पाए टू पाए स्टार का तो इसमें क्या होता है कि ये स्टेबल ऑर्बिट से अनस्टेबल में जा रहा है यहाँ जा रहा था नॉन बॉन्डिंग से अनस्टेबल में तो इसका एग्जाम्पल होता है जैसे एक ये है ठीक है कार्बोनिल ग्रुप है इसमें से एक लोन पेयर हटा दो एक हटा दो लोन पेयर ठीक है That इज़ ये था इधर और एक ये था तो इसमें क्या होगा ये ट्रांजिशन कुछ इस तरीके का हो जाएगा कि दो इधर प्रेजेंट है और ये जो बॉन्डिंग थी ये दिखा रहा है कि आपका पाए से पाए स्टार में ट्रांजिशन हुआ है नाउ पाए टू पाए स्टार किस किस में हो सकता है ये हो सकता है एलकिन में क्यों क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है मतलब एक सिंगल एक डबल बॉन्ड है दूसरा आपका एल्काइंस में हो सकता है क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है मतलब कि एक सिग्मा बॉन्ड दो पाई बॉन्ड ठीक है नाउ जब भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है तो एब्जॉर्बन आपका हायर पे चला जाता है ठीक है अभी आप आगे देखोगे जैसे वन थ्री ब्यूटाडाइन है फिर और है वन थ्री फाइव हेक्साट्राइन ये सारे में क्या है कि वन थ्री ब्यूटाडाइन में कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है तो इसका लेमडा मैक्स आपको अलग मिलेगा उसका लेमडा मैक्स अलग मिलेगा ठीक है तो जैसे जैसे आपका कॉन्जुगेशन बढ़ता है आपका वेवलेंथ हायर उसमें शिफ्ट होता है हायर वैल्यूज में ठीक है तो अब अपन देखते हैं कि अलाउड और फॉरबिडन ट्रांजेक्शन्स क्या हो सकते हैं अच्छा किसी मॉलिक्यूल में हमने यूवी रेडिएशन दी ठीक है किसी भी कंपाउंड में तो जरूरी है क्या कि ट्रांजेक्शंस हो तो ऐसा जरूरी नहीं है इसके लिए आता है सिलेक्शन रूल सिलेक्शन रूल मतलब कि कुछ ही ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जो होंगे और कुछ नहीं होंगे ठीक है अब आप यहाँ पर देखो कि पाई से पाई स्टार्ट में एनर्जी कम लगती है है ना क्योंकि ये वीक बॉन्ड्स होते हैं तो इनकी वेवलेंथ जो है ज्यादा में शिफ्ट हो जाती है नाउ अब आप देखोगे सिलेक्शन रूल तो सिलेक्शन रूल दो चीजों पे डिपेंड करता है एक डिपेंड करता है कि अभी हम देख रहे हैं कि क्या सारे ट्रांजिशंस हो पाएंगे अगर हमने यूवी विजिबल रेडिएशन दी तो, तो जरूरी नहीं है तो इसमें क्या है कि सिलेक्शन रूल है जो कि आपका डिपेंड करता है किस पे ट्रांजिशंस ऐसे ट्रांजिशंस जो स्पिन स्टेट या स्पिन क्वांटम नंबर को आपका चेंज कर रहा है तो वो ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है सो ट्रांजिशंस डेट ए कंपनी वॉट चेंज इन क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर डू नॉट टेक प्लेस तो अगर ऐसा कोई ट्रांजेक्शन जिसमें कि स्पिन क्वान्टम नंबर चेंज हो रहा है वो ट्रांजेक्शन यू वी में नहीं होगा दूसरा कि अगर ऑर्बिटल्स की सीमिट्री डिफरेंट है है ना ऑर्बिटल्स की सीमिट्री डिफरेंट है तो भी इनका ट्रांजेक्शन्स पॉसिबल नहीं है ओके सो so, इसीलिए जब मैंने आपको दो ट्रांजेक्शन बोले कि एन टू पाए स्टार होता है और पाए टू पाए स्टार होता है सिग्मा नहीं होगा बार बार बोल रही हूँ क्योंकि उसमें बहुत एनर्जी लगती है और इतना यूवी बियर नहीं कर पाता तो क्योंकि स्टार्टिंग रेंज हंड्रेड या टू हंड्रेड से होती है नैनोमीटर से यूवी की टू हंड्रेड से एट हंड्रेड नैनोमीटर तो अगर इससे भी ज्यादा नीचे वेवलेंथ चली जाएगी तो यूवी डिटेक्ट नहीं कर पाता तो क्या होगा कि जो ऑर्बिटल्स की सीमिट्री अगर डिफरेंट है तो ट्रांजिशंस नहीं होते है ना इसलिए हम एन टू पाए स्टार की जब बात करते हैं तो इन ऑर्बिटल्स में क्या होता है इनकी सीमिट्री डिफरेंट है तो इनका ओवरलैप जो होता है वो अच्छे से नहीं हो पाता एक्साइटेड स्टेट में और जब इन ऑर्बिटल्स का ओवरलैप अच्छे से नहीं हो पाता तो इन ट्रांजिशंस की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है कम हो जाती है और जब इनकी कम हो गई तो सिर्फ पाए टू पाए स्टार ट्रांजिशन बचता है जो यूवी में होता है ओके सो दिस इज वेरी वेरी लेक्चर तो इसको आप लोग नोट करते जाओ है ना क्योंकि काफी सारी चीजें नहीं दी हुई है इसलिए ऐसे बताना पड़ रहा है मुझे ठीक है नाउ कमिंग टू अलाउड और फॉरबिडेंट ट्रांजिशन तो अब एक चीज और आती है कि सिलेक्शन रूल हमने देखा कि स्पिन अगर चेंज है तो नहीं होगा और अगर ऑर्बिटल की डिफरेंट है तो नहीं होगा तो क्या होगा तो अब यहाँ पर आती है कि ऐसे सारे ट्रांजिशंस जो कि सिलेक्शन रूल परमिट नहीं कर रहा है, है ना वो सिलेक्शन रूल हमने ये जो देखे तो ऐसे सारे ट्रांजेक्शन बाय सिलेक्शन रूल नॉट परमिटेड बाय ट्रांजिशंस नॉट परमिटेड बाय सिलेक्शन रूल आर नोन एज फॉरबिडन ट्रांजिशंस फॉरबिडन ट्रांजिशंस ठीक है फिर एक आता है कि किसी भी ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी कि ये ट्रांजिशन होगा कि नहीं होगा ये डिपेंड करता है ई मैक्स वैल्यू पे मतलब कि मोलर एक्सटेंशन कोफिशियन की वैल्यू पे आपका ये डिपेंड करता है और ई मेक्स की वैल्यू के अकॉर्डिंग दो ट्रांजिशंस होते हैं एक होता है अलाउड एक होता है फॉरबिडन तो सिलेक्शन रूल परमिट नहीं कर रहा है मतलब कि फॉरबिडन ट्रांजिशन है अलाउड कौन सा होगा तो ई e मैक्स की वैल्यू पे डिपेंड करते हैं ये दोनों ट्रांजिशन तो अब हम देखते हैं अलाउड और फॉरबिडन कौन कौन से होंगे मतलब हमें क्या देखना है यहाँ पे कि ई e मैक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए तब जाके वो ट्रांजिशन होगा तो वो अपन देखते हैं इमेक्स e की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बताती हूँ सो फॉर अलाउड ट्रांजेशन ईमेक्स वैल्यूज अलाउड अगर ट्रांजिशन है तो ईमेक्स e की वैल्यू आपकी होनी चाहिए टेन टू द पावर फोर और मोर या तो इतनी होनी चाहिए ईमेक्स e की वैल्यू या इससे ज्यादा होनी चाहिए तभी आपका ये ट्रांज़िशन होगा तो इसमें जो अलाउड ट्रांज़िशन में आता है वो आता है पाई टू पाई स्टार अफकोर्स क्योंकि हम यही यूवी में पढ़ेंगे ओके okay? नाउ अब इसमें एग्जाम्पल है जैसे वन थ्री ब्यूटेड इन तो ये जो आपका मिक्स की पीक शो करता है ये शो करता है टू हंड्रेड एंड नैनोमीटर में ठीक है और इसकी जो ई मैक्स वैल्यू मिलती है आपको वो मिलती है करीब इतने पे ठीक है डेट इज टू जीरो नाइन जीरो जीरो पे नाउ पाई टू पाई स्टार ऑर्बिटल्स जो इसमें इन्वॉल्व हैं ट्रांजेक्शन्स में ये सेम प्लेन पे होते हैं ठीक है इसीलिए इनका ओवरलैप क्या होता है मैक्सिमम होता है मैंने आपको फॉरबिडन में बोला कि एन टू पाव स्टार नहीं हो पाते क्योंकि इनकी सिमेट्री डिफरेंट है तो एक्साइटेड स्टेट में ओवरलैप नहीं कर पाते हैं बट पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस की यूवी में प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा क्यों है इसीलिए है कि ये सेम प्लेन में प्रेजेंट है और इनका ओवरलैप मैक्सिमम है मैक्सिमम ओवरलैप है इसीलिए इनकी प्रॉबिबिलिटी बहुत ज्यादा है सो दिस क्वेश्चन कैन कम इन योर एग्जाम वाई पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस आर मोस्ट प्रोबेबल इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी तो ये आपका था अलाउड ट्रांजिशन अब अपन देखते हैं फॉरबिडन तो इसका जस्ट ऑपोजिट फॉरबिडन है अगर टेन टू दी पावर फोर से कम वैल्यू होगी तो क्या होगा तो आपका फॉरबिडन ट्रांजिशन होगा फॉरबिडन ट्रांजिशन का मतलब यह नहीं है कि ट्रांजिशन होंगे ही नहीं होंगे बट क्या होगी इनकी प्रॉबिबिलिटी कम होगी प्रॉबिबिलिटी इज लेस ओके नाउ ये आपके एन टू पाइव स्टार वाले शो करेंगे तो इसमें एग्जाम्पल आपका क्या हो सकता है एक हो सकता है कीटोन या एल ठीक है सेचूरेटेड कीटोन्स या एल आपके ये वाले टाइप के ट्रांजिशंस शो करते हैं और ये लैमडा मैक्स इनकी जो वैल्यू होती है वो होती है टू एट्टी से टू नाइनटी नैनोमीटर पे तो ये वैल्यू बहुत कम है आप देखोगे है ना वहाँ पर आपने टू हंड्रेड कितनी देखी थी ये वैल्यू बहुत ज्यादा है आपकी आपने जो ऊपर देखा था वो टू हंड्रेड देखी थी ठीक है सो लेमडा मैक्स वैल्यू यहाँ पर इतनी है क्यों क्योंकि तो इसमें थोड़ी सी एनर्जी ज्यादा है एज कम्पेयर टू पाई टू पाई स्टार्ट में एनर्जी और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन है इसलिए समझते जानी जाना चीज को नाउ अब आपका एक और चीज़ जो मुझे ई e मैक्स की वैल्यू बतानी थी यस yes, इसकी ई e मैक्स की वैल्यू हंड्रेड से भी कम है सम देखो ई e मैक्स की वैल्यू कितनी कम है और वहां पर ई e मैक्स की वैल्यू कितनी ज्यादा थी ठीक है तो ये आपकी थी सारी चीजें ट्रांजिशंस के बारे में अब हम देखते हैं कि क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम्स क्या होते हैं और फिर आपको चार टाइप के शिफ्ट देखनी है डेट इज बेथो हिप्सो, हाइपर एंड हाइपो फिर ये यूनिट आपकी खत्म तो अपन देखते हैं कि क्रोमोफोर्स क्या होते हैं जो आपके ऊपर दिया हुआ है दैट इज दिस सो इंपॉर्टेंट टर्म्स इन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब यूवी की बात करें कि हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की बात करते हैं तो ऐसा कोई भी ग्रुप अगर किसी कंपाउंड में जुड़ा है और वो उसके कलर की प्रॉपर्टी को एनहेंस कर रहा है तो डेड ग्रुप इज नोन एज क्रोमोफोरिक ग्रुप ओके सो सच ग्रुप्स फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं तो हो सकता है आपका सी डबल बॉन्ड सी एल्कीन हो सकता है एलकाइन हो सकता है सीओओएच ओ एच हो सकता है एनओ NO हो सकता है एनओ टू हो सकता है एन डबल बॉन्ड एन हो सकता है ठीक है अगर ये ग्रुप जुड़े हुए हैं किसी भी जैसे बेंजीन रिंग में नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है तो ये येलो कलर देता है नाइट्रो बेंजीन को ठीक है अगर सी ओ एच जुड़ा है तो कोई और कलर देगा दीज आर नोन एज क्रोमोफोर क्रोमो का मतलब ही होता है कलर है ना सो so, जैसे एग्जांपल है नाइट्रोबेनजीन का तो नाइट्रोबेंजीन आपको येलो कलर देता है क्योंकि उसमें नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है जो कि क्रोमोफोरिक ग्रुप है नाउ जैसे ब्यूटा डाइन में डबल बॉन्ड है एल्कीन है है ना तो ये आपकी लेमडम एक्स वैल्यू टू पे देता है और रेंज भी यूवी की टू से एट तक होती है ठीक है फिर आप देखोगे बीटा कैरोटीन तो बीटा कैरोटीन में आप देखोगे तो उसमें कॉन्जुगेशन बहुत ज्यादा है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन कॉन्जुगेशन मतलब डबल सिंगल डबल सिंगल तो इससे क्या होता है कि जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है वो बहुत हाई जाती है और हाई जाने के कारण इसका भी कलर होता है और ये एब्जॉर्ब होता है 460 नैनोमीटर करीब पे अब आता है ऑक्सोक्रोम तो ऑक्सोक्रोम्स क्या होते हैं तो ऑक्सोक्रोम्स वो ग्रुप हैं जो कि अकेले प्रेजेंट होंगे तो कलर का कोई इनका रिलेशन uh, नहीं है कलर से अगर ये सिर्फ अकेले प्रेजेंट होंगे तो बट अगर क्रोमोफोर है तो ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप क्रोमोफोरिक ग्रुप को एनहेंस करता है एनहेंस करता है मतलब ऑक्सोक्रोम ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जिसमें पहली बात तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे नॉन बॉन्डिंग मतलब कि लोन पेयर प्रेजेंट होंगे फॉर एग्जांपल ओ एच है एनएच टू है ओ OH एच में दो लोन पेयर है ऑक्सीजन पे नाइट्रोजन पे एक है क्लोरीन पे तीन है तो ये सारे ग्रुप्स ऑक्सोक्रोम्स हैं अगर ये अकेले प्रेजेंट है तो दे आर अनेबल टू तो इम्पार्ट कलर टू कंपाउंड ठीक है बट इनकी एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एंड एबिलिटी बिकॉज ऑफ एबिलिटी कंपाउंड में क्या हो जाता है कलर आता है सो so, इसकी वजह से वेवलेंथ और इंटेंसिटी भी चेंज होती है नाउ कमिंग टू व्हाट ये जो पैराग्राफ है इस पैराग्राफ से आपको लास्ट ईयर में लास्ट ईयर के पेपर में क्वेश्चन आया है अब ये क्वेश्चन किस हिसाब से आया है ये अपन देखते हैं ठीक है तो जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है ऑक्सोक्रोम का जैसे कि पैरा नाइट्रो एजोबेंजीन है जो कि रेड कलर का है बट पैरा मिथिल अमीनो एंड पैरा नाइट्रो एज़ो डीप रेड कलर का है क्यों क्योंकि जो पैरा डाइमिथाइल और जो सेकंड एग्जांपल मैंने आपको दिया उसमें ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप है वो कैसे है वो भी हम देखते हैं ठीक है तो दिस ग्रुप दैट इज ऑक्सोक्रोम दिस हैज बीन मोस्ट स्टडीड विथ एरोमेटिक सिस्टम एंड द बैंड शिफ्ट्स ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड हैज बीन कोरिलेटेड विद इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ऑफ ऑक्सोक्रोम ऑक्सोक्रोम अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो उसकी वजह से आपका वेवलेंथ इंटेंसिटी चेंज होती है और कलर और ज़्यादा एनहेंस होता है तो इट इज़ एन एनहेंसिंग ग्रुप आप इसको सिंपल लैंग्वेज में समझो तो तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर कुछ ग्रुप्स की दी हुई है सबसे पहले ऑक्सीजन है फिर एन एच सी एच थ्री है फिर अमीन ग्रुप है फिर ओ एच एस सी एल सी एच थ्री है और लास्ट में अमोनियम या फिर हाइड्रोजन की बराबर है क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर सो आप इसमें देखो कि इफेक्ट ऑफ प्रोटोनेटिंग एनएच टू ग्रुप प्रोटोनेटिंग एनएच टू ग्रुप मतलब आप हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो एनएच टू में तो क्या हो जाएगा एनएच थ्री पॉजिटिव नाउ द प्रोटोन जो कि अमीनो ग्रुप की हम बात कर रहे हैं क्योंकि नाइट्रोजन पे मतलब lone pair present है, तो ये क्या करता है प्रोटॉन जो होता है है ना, वो इससे बाइंड कर जाता है और जब इससे बाइंड करता है तो क्या होता है इट प्रिवेंट्स फ्रॉम इंटरक्टिंग ना? यहाँ पे अगर एनएच टू प्रेजेंट है इस पे लोन पेयर है तो अगर ये इससे इंटरैक्ट तो नहीं, नहीं करता तो क्या होता है तो क्या हो जाएगा एन एच थ्री पॉजिटिव तो ये एनिलीनियम आयन हो गया तो जो मैक्स की वैल्यू होती है एनिलीन की और एनिलीनियम आयन की वो होती है टू थर्टी एंड टू हंड्रेड एंड थ्री नैनोमीटर और जो बेंजीन की होती है वो होती है टू जीरो फोर तो बेंजीन की बहुत कम है क्यों कम है क्योंकि बेंजीन में कोई ग्रुप नहीं है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है बट एनिलीन में एक ऑक्सोक्रोम में ग्रुप जुड़ा हुआ है एनएच टू जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो एनिलीन की ज्यादा है अभी हम यहाँ पे तीन चीजों को कंपेयर कर रहे हैं एक कंपेयर कर रहे हैं एनिलीन को एक कंपेयर कर रहे हैं एनिलीनियम आयन को और

क्रोमोफोरिक ग्रुप को और वैल्यू को को और इंटेंसिटी ऑल्टर करता है तो इसकी वैल्यू ज्यादा थी क्योंकि पे ग्रुप था But अगर ये प्रोटोनेट हो गया तो अब इसका जो लोन पेर था ये रिंग टू जीरो थ्री पे मिल रहा so, uh, uh, है सो दिस क्वेश्चन एग्जाम लास्ट कंपेयर करने दिस इज इम्पोर्टेंट नाउ कमिंग टू टाइप की शिफ्ट होती हैं. दैट इज एक होती है बैथो -क्रोमिक, -क्रोमिक, तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट को हम रेड शिफ्ट भी कहते हैं और रेड शिफ्ट क्यों कहते, है? कहते हैं इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो आपका कलर है ठीक है लैमडा मैक्स हायर वैल्यू पे शिफ्ट होता है और आपको पता है विब ग्योर में रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है इसीलिए इसमें जो वेवलेंथ है वो इसलिए इसको हम बोल रहे हैं रेड शिफ्ट है ना नाउ कमिंग टू ये होता क्यों है और ये है क्या तो अगर एब्जॉर्बन मैक्सिमा हायर वेवलेंथ की तरफ आपका शिफ्ट हो रहा है किस वजह से या तो ऑक्सोक्रोम प्रेजेंट है इसलिए या तो आपने उसका मीडियम चेंज कर दिया जो भी आपने कंपाउंड लिया है क्यूबिट में तो जो शिफ्ट होगी वो लैमडम एक्स वैल्यू को इंक्रीज कर देगी एंड इस शिफ्ट को हम बोलते हैं बेथोक्रोमिक या रेड शिफ्ट क्योंकि रेड कलर आपका रेड कलर की तरफ वेवलेंथ शिफ्ट होती है इसमें पाए से पाई स्टार ट्रांजेक्शन होते हैं क्योंकि इनकी एनर्जी सबसे कम है इसलिए सबसे ज्यादा वेवलिन हो रही है नाउ कमिंग टू वॉट कमिंग टू हिप्सोक्रोमिक डेट इज ब्लू शिफ्ट अब हम आते हैं ब्लू शिफ्ट पे तो ब्लू शिफ्ट क्यों होती है ब्लू शिफ्ट का मतलब है विबग्योर विबग्योर है ना तो ब्लू कम वेवलेंथ है इसलिए ब्लू आपको ब्लू कलर आपका पहले मिलता है क्योंकि विबग्योर इंक्रीजिंग वेवलेंथ में अरेंज्ड है तो ब्लू पहले है मतलब इसकी वेवलेंथ कम है तो ये किस वजह से हो रहा है या तो कॉन्जुगेशन रिमूव हो रहा है कंपाउंड से है ना या फिर हम मीडियम चेंज कर रहे हैं तो वेवलेंथ जो है आपकी अगर कम उसपे शिफ्ट हो रही है इसका मतलब यहां पर हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट हो रही है नाउ एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है कि अगर नाइट्रोजन है ठीक है ये एनिलीन है और कॉन्जुगेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नाइट्रोजन एटम ऑफ एनिलीन विद बेंजीन की रिंग ये यह है हाइड्रोजन का ऐड कर एनिलीनियम तो आयन बन जाएगा और यहाँ पे क्या होगा? कि यहाँ तो अभी कॉन्जुगेशन था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें मिलते बट यहाँ नहीं मिल पाएंगे क्यों क्योंकि यहाँ पे अब लोन पेयर नहीं है, है ना तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि एनिलीन जो था आपका ये टू थर्टी हो रहा था बट जैसे ही आपने इसका मीडियम चेंज किया दैट इज अगर आपने एसिडिक कर दिया मीडियम तो आपकी पीक जो है वो कम उस पर शिफ्ट हो गई तो ये शिफ्ट कौन सी कहलाती है ये शिफ्ट आपकी कहलाती है ब्लू शिफ्ट ठीक है और जो रेड शिफ्ट थी वो आपकी कहलाती है बेथोक्रोमिक शिफ्ट इसका एग्जाम्पल था पैरा नाइट्रोएजोबेंजीन जिसका कलर आपका था क्या रेड बट जब हमने ऑक्सोक्रोम को इंट्रोड्यूस किया तो डीप रेड हो गया तो वेवलेंथ आपकी बढ़ गई ठीक है फिर आता है हाइपोक्रोमिक और हाइपरक्रोमिक तो इन दोनों का ई e मैक्स की वैल्यू पे रिलेशन है ठीक है ये जो दोनों शिफ्ट थी ये मैक्स वैल्यू पे थी ये जो दोनों शिफ्ट हैं आपकी ये ई मैक्स वैल्यू पे है तो अगर आपका हाइपरक्रोमिक शिफ्ट आप देखोगे हाइपर मतलब होता है ज्यादा है ना हम बोलते हैं हाइपर मतो तो ज्यादा तो अगर आपका ऐसा कोई इफेक्ट है जिसमें ईमेक्स e वैल्यू जो है बढ़ रही है तो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट है एंड अगर ईमेक्स e की वैल्यू कम हो रही है तो आपकी हाइपोक्रोमिक शिफ्ट है ओके okay? तो एग्जाम्पल अगर आप देखोगे हाइपरक्रोमिक शिफ्ट का तो पिरीडीन है ठीक है ये पिरीडीन है और पिरीडीन में लोन पेयर बाहर है तो पिरीडीन में आप देखोगे तो इसकी ईमेक्स e वैल्यू है टू सेवन फाइव जीरो ओके okay. नाउ अगर इसको आप टू कर देते हो तो उसकी का. और में क्या होता है कि जैसे आपने बायोफेनल लिया है बायोफेनल मतलब बेंजीन की रिंग जुड़ी हुई है तो अगर आपने बायोफेनल लिया है तो इसकी जो लैमडा मैक्स वैल्यू होती है वो कुछ होती है नाइनटीन थाउजेंड पे और अगर आपने इसको टू मिथिल बाईफिन कर दिया तो आपकी टेन थाउजेंड समथिंग पे पीक मिलती है तो क्या हो गया कम हो गई ना ईमेक्स की वैल्यू तो इसलिए ये होती है हाइपोक्रोमिक शिफ्ट सो दिस इज ऑल अबाउट यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी और यहाँ पे आज आपकी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी खत्म होती है एंड ये इतना ही आपको इसमें पढ़ना है सो आई होप आप लोग को समझ आया होगा एंड इसके बाद हम दूसरा स्टार्ट करेंगे ओके okay. दूसरी यूनिट स्टार्ट करेंगे इसकी ही तो समझ आया आप लोग को पांच मिनट ही बचे हैं मीटिंग खत्म हो जाएगी इसलिए मैं पूछ रही यस yes, विकास समझ आया बीच क्लास में ज्वाइन हुए हो वैसे तुम समझ आया यस और नो समझ आया कि नहीं आया यस yes, श्याम समझ आया नहीं मैम थोड़ा पढ़ना पड़ेगा मुझे बिल्कुल ला, 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 लास्ट में अटेंड किया मैंने पहले अटेंड नहीं किया था इसका पहला मैं। मैं। नहीं, नहीं मैम मैं actually, मेरा second year में था तो आई विल जस्ट पॉप मुझे जस्ट एक बाकी है? से. इसका पहले वाला लेक्चर देख लेना और उसके बाद ये वाला लेक्चर देखना ये दोनों लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ठीक है और जब ये दोनों लेक्चर्स देख लोगे तो समझ आ जाएगा आसान है ये यूनिट क्योंकि अगर ये नहीं समझ आए तो फिर आईआर वगैरह इससे थोड़ी टफ हो जाती हैं ठीक है तो आज का लेकिन अच्छा, लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट uh... था